देखिए, ह्यूमन में जो सेल पाया जाता है ना, लार्जेस्ट सेल होता है ओवम का, स्मॉलेस्ट होता है स्पर्म का, और लॉन्गेस्ट होता है न्यूरॉन का। हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी होती है लीवर के सेल की, और ना के बराबर होती है न्यूरॉन की, मतलब ब्रेन की सेल की। प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन होता है ना, प्रोटीन से बना होता है, जो बिल्डिंग बॉडी मटेरियल है। ये एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है। सेल वाले सेलुलोज या काइटिन का बना होता है, प्लांट में बस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ओट ऑक्सीजन की हेल्प से, क्रेब साइकिल की हेल्प से 38 ATP बनाता है, जो कि एक ग्लूकोज या एनर्जी के बराबर होता है। 38 ATP बनाता है। इसमें क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है क्रिस्टियाई, और फ्लूड जो मटेरियल होता है इसमें मैट्रिक्स बोला जाता है। वैक्यूल का साइज जो होता है ना, प्लांट में ज़्यादा होता है, एनिमल में कम होता है। ये फ्लूड होता है, वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए यूजफुल होता है। गोल्गी बॉडीज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी में रिस्पॉन्सिबल होता है ये। और सेंट्रोजोम सेल डिवीजन में काम आता है। टू सेंट्रियोल एनिमल में बस पाया जाता है, ब्रेन में नहीं होता, यही मिसिंग होता है ये, जिसके कारण वो रीजेनरेट नहीं कर पाता है न्यूरॉन्स। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको स्कल ऑफ सेल बोला जाता है। स्मूथ होता है, फैट फॉर्म स्मूथर पार्ट होते हैं, और रफ पार्ट होता है इसमें। तो स्मूथ पार्ट से ना हमें फैट बाद में बन जाता है, रफ पार्ट्स में ही ये राइबोसोम होता है, वो उसी से प्रोटीन बनती है। राइबोसोम से ही प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को। एनाबॉलिज्म में प्रोसेस होता है। तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन बेसिकली 20 में एमिनो एसिड होती है, 10 हमारे बॉडी में पहले से होता है, और 10 हम एक्सटर्नली खाना खाकर हम 10 एमिनो एसिड लेते हैं, तो टोटल 20 एमिनो एसिड होती है। प्रोटीन वृद्धि, शरीर को मेंटेन करने में, ग्रोथ करने में, एनर्जी देने में हेल्पफुल होता है। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। 90% प्रोटीन होता है, 10% DNA होता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, लिक्विड इनसाइड न्यूक्लियस को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलता है। लाइसोजाइम जो होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है इसमें, इसीलिए सुसाइड बैग ऑफ सेल हो जाए, ये फट गया तो सेल ख़त्म। नॉट फाउंड RBC में नहीं मिलता है, नहीं तो सोचिए वो इतना चलता रहता है, दौड़ता रहता है, फटा तो बस से उसका सेल ही ख़त्म। और डेड RBC को स्प्लीन फिल्टर करता है।